हेलो गाइस, माय नेम इज शाहरुख। वेलकम बैक विद द अनदर एपिसोड ऑफ टॉप ट्रेंडिंग न्यूज ऑफ द डे फ्रॉम टीम इंटरनेट एपीएन। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कोविड के बारे में। तो भाई जितने भी सिख हैं जो थोड़ा सा सोच रहे थे वो गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने का जो कि करतारपुर में है, अब वो बिना किसी दिक्कत या परेशानी के जा सकते हैं। बस यहाँ पे एक छोटी सी शर्त ये है कि आपको पूरी तरह से वैक्सीनेट होना पड़ेगा। जो कोविड की दोनों डोजेज है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी दोनों डोजेज कोविड की कंप्लीट है तो आप जा सकते हैं और वहां पे जाके दर्शन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रियलमी के बारे में। अगर भाई आपका फोन खराब हो गया था या फिर आप थोड़ा सा फोन लेने का सोच रहे थे, तो रियलमी ने अपना बहुत बढ़िया फोन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाली है आज। इस फोन का नाम है C21Y और इस फोन के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे फीचर इंक्लूड करे, जैसे कि ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है जो कि बहुत बढ़िया फोटोज कैप्चर करता है। इसके अंदर लेटेस्ट अपडेट डाले हैं और इतना सब कुछ कंपनी ने बहुत बजट फ्रेंडली मतलब प्राइसिंग पे इस फोन को लॉन्च करने वाली है। ये जो फोन था वियतनाम में ऑलरेडी लॉन्च हो गया था। अगर इसकी रफली अगर प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 10-12 हज़ार रुपए की रेंज में आपको ये फोन अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो भाई HDFC बैंक ने एक बहुत अच्छा सा इनिशिएट लिया। उन्होंने बोला है कि हर महीने अब वो 3 लाख क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे और ये 3 लाख क्रेडिट कार्ड उन्हीं को इश्यू करेंगे जो कि HDFC के कस्टमर्स है या फिर HDFC के डेबिट कार्ड होल्डर्स है, और जिनका थोड़ा सा सिबिल ठीक है वो उनको भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के उनका बस कार्ड डिटेल देखेंगे और थोड़ा सा उनका सिबिल स्कोर देखेंगे, उसके बिहाफ पे उनको कार्ड ये इशू कर देंगे क्रेडिट कार्ड। बात कर रहे थे टाटा के बारे में। तो भाई दिवाली के टाइम पे आप बम फोड़े ना फोड़े, लेकिन टाटा बम फोड़ने वाली है अपनी नई गाड़ी पंच के साथ। ये गाड़ी कंपनी बहुत कम दाम में लॉन्च कर रही है, मतलब बहुत टाइम से कंपनी सोच रही थी इस गाड़ी को लॉन्च करने का, लेकिन कोविड आ गया, पैंडेमिक आ गया, जिसके चलते कंपनी इस गाड़ी की लॉन्च थोड़ा सा डिले कर दी। लेकिन अभी कंपनी पूरी तरह से सेट है इस गाड़ी को मार्केट में उतारने के लिए। इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी स्टेयरिंग व्हील, पावर स्टेयरिंग, अगर सेफ्टी की माने तो NCAP के अंदर 4 स्टार की रेटिंग अचीव कर सकती है। बाकी गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मतलब एक नॉर्मल गाड़ी से थोड़ा सा अबव फीचर में आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं अल्कोहल बेवरेज स्टार्टअप के बारे में, OB कॉकटेल्स। इस स्टार्टअप ने मतलब मार्केट से 3.25 करोड़ रुपए मतलब रेज करा है, और कंपनी ने कहा है कि जितना भी अमाउंट मतलब कंपनी ने रेज करा है उस अमाउंट की हेल्प से वो नए प्रोडक्ट थोड़ा सा लॉन्च करेगी और थोड़ा सा कंज्यूमर को बहुत ईजी करेगी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए। वहीं बात कर लेते हैं एक और स्टार्टअप के बारे में, इंस्टेंट डिलीवरी ऐप मतलब रारा डिलीवरी। उसने भी बहुत बड़ा अमाउंट जो है मतलब मार्केट से रेज करा है, जिसकी कीमत है $3.25 मिलियन की। मतलब इतना मोटा अमाउंट उन्होंने रेज करा है, ऑब्वियसली कर भी सकते हैं क्योंकि स्टार्टअप बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर रहा है वो, जिसके चलते जितने भी मतलब इन्वेस्टर्स हैं सामने आ रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं कंपनी ने वेस्पा का एक अनदर वेरियंट लॉन्च कर दिया है, इसकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गाड़ी की जो कीमत है बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली रखी गई थी और गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स कंपनी ने मतलब इंक्लूड करें, जैसे कि डिजिटल क्लस्टर इंक्लूड करा है, और गाड़ी की जो एवरेज है वो भी अच्छी खासी कंपनी ने मतलब दी है, जिसके चलते जो कंज्यूमर है उसको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा इधर से उधर ट्रैवल करने में। अगर बात करें पेट्रोल के बारे में, तो भाई पेट्रोल की प्राइसिंग अभी भी अनचेंज्ड है। रिसेंटली डीजल की प्राइसिंग में थोड़ा सा 60% 3 दिन के अंदर थोड़ा सा गिरावट देखी गई थी, लेकिन पेट्रोल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। जैसे ही कोई चेंज आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो के सेगमेंट को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई वीडियो पसंद है तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड इफ यू हैव एनी PR रिलेटेड क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू राइट अ sales@aplive.com। तब तक अपने घर पर रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपना ख्याल रखिए।